स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज प्रदीप गुलाटी, जहां पर आपको ग्रेजुएशन फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सबसे इजी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूं न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आयनाइजेशन चैम्बर। क्या काम करता है आयनाइजेशन चैम्बर, व्हाट इज द एम ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन चैम्बर एक न्यूक्लियर डिटेक्टर है, गैस फील्ड डिटेक्टर का ही एक टाइप है, जो हाई आयनाइजिंग पावर वाले चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के काम आता है। हाई आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल का सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्फा पार्टिकल। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये लो आयनाइजिंग पावर वाले चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, जैसे बीटा पार्टिकल, गामा रेस, ये इसकी लिमिटेशन है। वो क्यों नहीं कर सकता, जब आप इसकी वर्किंग समझ लोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये सिर्फ हाई आयनाइजिंग पार्टिकल्स को ही काउंट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, लो आयनाइजिंग पावर वाले पार्टिकल्स को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये तो है इसका एम। अब बात करेंगे हम इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल वही है जो गैस फील्ड डिटेक्टर का था, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। सेम प्रिंसिपल पे आयनाइजेशन चैम्बर वर्क करता है, जिस प्रिंसिपल पे गैस फील्ड डिटेक्टर बेस्ड था। क्या था गैस फील्ड डिटेक्टर का प्रिंसिपल, जो कि आयनाइजेशन चैम्बर का भी प्रिंसिपल है, कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को गैस में से पास करते हैं तो गैसियस एटम्स जो हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हम चार्ज पार्टिकल को गैस में से पास करेंगे तो वो अपनी एनर्जी गैसियस एटम्स को दे देंगे, उससे होगा क्या, गैसेस एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स नॉक आउट हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे वो बाहर निकल जाएंगे गैस एटम में से। तो आपको क्या मिलेगा, आपको दो प्रकार के आयंस मिलेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल चुके हैं, नॉकआउट हो चुके हैं, किसके द्वारा बाहर निकले हैं, वो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल के कारण बाहर निकले हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो एनायन का काम करेंगे, और जिन गैसेस एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल चुके हैं वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे, मीन्स वो कैटायन का काम करेंगे, मतलब आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि आयनाइजेशन चैम्बर जो कि एक डिटेक्टर है चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, उसकी वर्किंग में हेल्प करेगी। तो हम एक बार एम और प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं इसका। इट इज अ टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर which is used to detect those charge particles which have high ionizing power, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स। ये high ionizing power particles को detect करने के काम आता है। Principle, it works on the principle that when a charge particle passes through the gas, it ionizes the gas. जब भी हम चार्ज पार्टिकल को गैस में पास करेंगे तो gases atoms, gases molecules ionize हो जाएंगे, means ions में break हो जाएंगे, ions की formation हो जाएगी। तो एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि आयंस कैसे बन रहे हैं। ये है गैस का एटम जो कि न्यूट्रल था, जब आपने चार्ज पार्टिकल को इस पर इंसिडेंट किया तो इसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दी, इस एटम को ट्रांसफर कर दी, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, जो कि एनायन का काम करेगा, और जो गैसेस एटम है जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो कैटायन का काम करेगा। मतलब दो तरह के आयंस बन चुके हैं, एक अनायंस और कैटायंस। आयंस की फॉर्मेशन हो चुकी है जो कि इसकी वर्किंग में हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था एम और प्रिंसिपल आयनाइजेशन चैम्बर का। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आयनाइजेशन चैम्बर। हम इसका एम और प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं, अब बारी है इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने की। इसकी कंस्ट्रक्शन सिमिलर है गैस फील्ड डिटेक्टर की कंस्ट्रक्शन की। इसमें क्या क्या लगा हुआ है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लगा हुआ है एक मेटालिक सिलेंडर। मेटालिक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने एक सूटेबल गैस भरी हुई है। वो गैस आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, आप ड्राई एयर ले सकते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना आपने, इतने प्रेशर पर आपने इसके अंदर हाइड्रोजन या ड्राई एयर भर देनी। और क्या लगा हुआ है इसमें, एक इसमें मेटालिक वायर लगी हुई है, मोस्टली टंगस्टन की होती है। अब आप देख रहे हैं
कि जो ये मेटालिक सिलेंडर की वॉल्स हैं उसको हमने बैटरी, जो वी वोल्ट की बैटरी लगाई है हमने, उसके नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। मीन्स जो सिलेंड्रिकल वॉल्स हैं वो कैथोड का काम करेंगी, और जो सेंट्रल मेटालिक वायर है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, मीन्स ये एनोड का काम करेगी। तो वॉल्स हैं वो कैथोड का काम करेंगी और जो सेंट्रल वायर है वो एनोड का काम करेंगी, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आपने ये बात ध्यान रखनी है कि एनोड वायर और जो कैथोड का काम कर रही हैं ये वॉल्स, मेटालिक वॉल्स जो सिलेंडर की वॉल्स हैं, इनमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने के लिए हमने इंसुलेटिंग प्लग्स लगाए हैं, ये इंसुलेटर मटेरियल के बने हुए हैं, ताकि सेंट्रल एनोड वायर और कैथोड की वॉल्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो पाए। उसके बाद क्या लगाया हुआ है हमने, जो इसकी वर्किंग के बाद जब हम पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि इसमें से हमें पल्सेस मिलती हैं, उन पल्सेस को एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर लगाए हैं। कुछ पल्सेस वीक भी हो सकती हैं, उनको एम्पलीफाई करेंगे हम। एम्पलीफाइड पल्सेस को फिर हम काउंटर में भेजेंगे। काउंटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो उन पल्सेस को काउंट करेगा और डिटेक्ट करेगा इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स को। तो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्शन में आपने यही लाइंस लिखनी है। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। तो स्टूडेंट्स, हम देख चुके हैं इसके इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है, इस चैम्बर के ऊपर, प्री मेटालिक चैम्बर के ऊपर हमने चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करवाने हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी गैसेस एटम्स को ट्रांसफर कर देंगे और गैसेस एटम्स को अनाइज कर देंगे, मतलब गैस के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट कर देंगे। तो होगा कि आपको दो प्रकार के आयंस मिलेंगे, एक है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे हैं पॉजिटिवली चार्ज गैसेस एटम्स, जिनको हम बोलते हैं कैटायंस। अगर आपने बाहर ये बैटरी ना लगाई होती और चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट कर दिए होते, तो आयंस जो बन गए गैस मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन के कारण, तो वो रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज गैस एटम्स रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल गैस एटम्स बनाना शुरू कर देंगे, रिकम्बाइन होना शुरू कर देंगे। बट जब आप बाहर बैटरी अप्लाई कर देते हो, मीन्स एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, इन आयंस पर फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, ये आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है एनोड, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैटायंस किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। मतलब आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव होने शुरू हो गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने शुरू हो गए। और स्टूडेंट्स, आपको पता है जब आयंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो आपको आउटपुट में एक पल्स की फॉर्म में दिखाई देगा। वो पल्स कैसी होगी, वो पल्स एक सिंपल पल्स होगी इस तरह की। उस पल्स को एम्पलीफायर के पास भेज के एम्पलीफाई करके काउंटर में भेज दिया जाएगा, वहाँ से आपके इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स की काउंटिंग हो जाएगी, उनकी डिटेक्शन हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, आयनाइजेशन चैम्बर और गैस फील्ड डिटेक्टर में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट, जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था गैस फील्ड डिटेक्टर की वर्किंग पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने पल्स हाइट का वेरिएशन स्टडी किया था अप्लाइड वोल्टेज के साथ, जिसमें हमें अलग अलग 6 रीजन्स मिले थे। पहला रीजन था आयन रिकॉम्बिनेशन रीजन, दूसरा था आयनाइजेशन चैम्बर रीजन जिसको हम सैचुरेशन रीजन भी बोलते हैं, तीसरा था प्रोपोर्शनल रीजन, चौथा था हमारा रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी, पांचवा था गीगर म्यूलर रीजन GM रीजन, और लास्ट था कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियर डिटेक्टर है आयनाइजेशन चैम्बर ही सेकेंड रीजन में काम करता है। सेकेंड रीजन में वोल्टेज इतनी सफिशियंट होती है कि वो आयंस के रिकॉम्बिनेशन को प्रिवेंट करती है, उनको नहीं होने देती रिकॉम्बिनेशन को, और इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि वो गैस मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाए। गैस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इसकी पूरी डिटेल्स के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, वो 6 रीजन मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे।
तो वोल्टेज हमें इतनी रखनी है, 100 वोल्ट से 400 वोल्ट तक रखनी है, इतनी सफिशिएंट रखनी है कि आयन का रिकॉम्बिनेशन ना हो पाए, और इतनी ज़्यादा भी नहीं रखनी है कि गैस की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, गैस का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए। तो इसमें जो वेरिएशन होगा आयनाइजेशन करंट का, या फिर कह लो पल्स हाइट का अप्लाइड वोल्टेज के साथ, वो कैसा आएगा वेरिएशन, वो एक बार हम देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं अप्लाइड वोल्टेज और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं आयनाइजेशन करंट। आई होप यू कैन सी इट। तो स्टार्टिंग में वोल्टेज कम है, आयंस जो हैं वो अभी फॉर्म होने शुरू हुए हैं, अभी वोल्टेज नहीं सफिशिएंट नहीं है कि वो उनको अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करे, तो धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू होगा। और जैसे ही आयंस जो हैं वोल्टेज इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि आयंस अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव कर चुके होंगे, तब करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, करंट सैचुरेट हो जाएगा। ऐसे पहले करंट बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट पर आकर सैचुरेट हो जाएगा। सपोज वो पी अप्लाइड वोल्टेज पर कांस्टेंट हुआ करंट, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर कांस्टेंट हो जाएगा करंट, वो वोल्टेज, वो अप्लाइड वोल्टेज जिस पर करंट कांस्टेंट हो जाएगा आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है कि आपने चार्ज पार्टिकल कौन सा इंसिडेंट किया। अगर हाई आयनाइजिंग पावर वाला चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट किया है तो आयनाइजिंग करंट ज़्यादा होगा, तो भी ज़्यादा आयंस बनेंगे, और आपने वोल्टेज कितनी अप्लाई की है उस पर भी डिपेंड करेगा सैचुरेशन करंट। और इस कर्व को, ये जो फ्लैट कर्व नज़र आ रही है आपको, उसको प्लेटो भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना बुक्स में, प्लेटो उस कर्व को बोलते हैं जो इस प्रकार के कर्व हमें मिलेगी, सैचुरेशन करंट हमें मिलेगा। तो ये थी इसकी वर्किंग। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस। स्टूडेंट्स, हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेक्टर आयनाइजेशन चैम्बर की। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और इसके लिमिटेशंस के बारे में, ड्रॉबैक्स के बारे में। ये जो क्वेश्चन आयनाइजेशन चैम्बर का, ये 4 या 6 नंबर से ऊपर का नहीं आएगा, 8 नंबर में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपने पेपर में आएगा तो क्या क्या लिखना है, आपने एम लिखना है, प्रिंसिपल लिख देना है, कंस्ट्रक्शन लिख देनी है, वर्किंग लिख देनी है, और दो दो एडवांटेज और इसके ड्रॉबैक्स भी लिख देने हैं। एडवांटेज क्या हैं इसके? एडवांटेज ये है कि आयनाइजेशन चैम्बर बहुत ही अच्छी तरह से अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर लेता है, उन पार्टिकल्स को अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है जिनकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, ये न्यूट्रॉन्स को भी डिटेक्ट अच्छे से कर लेता है। बस आपको करना क्या है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर आपने न्यूट्रॉन डिटेक्ट करने हैं आयनाइजेशन चैम्बर के थ्रू। जो हमने गैस भरी थी आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर, अगर आप अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट कर रहे हो या कोई और चार्ज पार्टिकल डिटेक्ट कर रहे हो एक्सेप्ट न्यूट्रॉन, तो आप ड्राई एयर लोगे या हाइड्रोजन गैस लोगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बट आप जब न्यूट्रॉन डिटेक्ट करोगे, आप न्यूट्रॉन डिटेक्ट करना चाहते हो आयनाइजेशन चैम्बर से, तो आपको गैस को रिप्लेस करना पड़ेगा, तब आपको हाइड्रोजन नहीं भरनी, तब आपको ड्राई एयर नहीं भरनी, आपको एक स्पेशल गैस भरनी है, वो गैस है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। बस आपको इतना काम करना है, ये न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट कर देगा, इस चैम्बर के अंदर BF3 गैस भर देनी है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करी थी कि ये लो आयनाइजिंग पावर वाले पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, जैसे बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, क्योंकि लो आयनाइजिंग पावर कम होने का मतलब ये है कि वो जब चार्ज पार्टिकल, लो आयनाइजिंग पावर वाले चार्ज पार्टिकल इस चैम्बर में एंटर करेंगे तो वो कम आयंस प्रोड्यूस करेंगे, कम आयंस प्रोड्यूस करेंगे मीन्स कम करंट प्रोड्यूस होगा, कम करंट प्रोड्यूस होगा मतलब पल्स हाइट जो होगी वो डिटेक्टेबल नहीं होगी, वो ये डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उन पल्सेस को, तो ये बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब इसने एक चार्ज पार्टिकल डिटेक्ट कर लिया तो उसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, कुछ मिली सेकेंड्स का वेट करना पड़ता है इसको नेक्स्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, तैयार होने के लिए। अगर आपके जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं तब तो ये प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, इस लिमिटेशन को हम नेगलेक्ट कर देंगे। बट अगर पीछे से चार्ज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, काउंटिंग रेट ज़्यादा है,
तो मिली सेकेंड्स का वेट करना भी बहुत बड़ी लिमिटेशन माना जाएगा, तब ये एक्यूरेट काउंट नहीं दे पाएगा इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स का। तो ये इसका लिमिटेशन है कि ये मिली सेकेंड्स का वेट करता है एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था अनर्जन चैम्बर, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। थैंक यू वेरी मच।